नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ग्लेशियर और घाटियों की बात करेंगे, जो प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक नंबर का प्रश्न आपको आए दिन इन परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है इन दोनों टॉपिक से। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। ये सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लेशियर की। ग्लेशियर जो वर्ड है ये आया है फ्रेंच भाषा के शब्द ग्लेस से। ग्लेशियर जो वर्ड है वो फ्रेंच भाषा के शब्द आया है ग्लेस से, जिसका अर्थ होता है आइस। ग्लेस का मतलब होता है आइस, ठीक है ना। अब ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी या हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी या हिमनद कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ग्लेशियर बर्फ की बहुत बड़ी राशि, बर्फ की बहुत बड़ी मात्रा है जो गतिशील है, जो थोड़ा सा मूव कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी जगह आप बर्फ की एक बहुत बड़ा टुकड़ा रख दें तो जब थोड़ी सी गर्मी आएगी तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी और वो थोड़ा सा खिसकना शुरू कर देगी। इसी तरह से बहुत बड़े एरिया में बर्फ की राशि है और वो हल्का सा मूव कर रही है, इसे ग्लेशियर कहते हैं। और हिमालय में बहुत सारी नदियाँ जो निकलती हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं। ये बर्फ आती कहाँ से है तो देखिएगा, ये आपका हिमालय का एरिया है। हिमालय मैंने आपको पढ़ाया तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जिसकी मैंने आपको कैलाश, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ कराई, फिर वृहद हिमालय या जिसे ग्रेट हिमालय कहा गया, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। तो इन सभी हिमालय में आपने देखा कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, सबसे उधर वाला ट्रांस हिमालय और उसके बाद वृहद हिमालय, ये दो हिमालय ऐसे थे जिन पर पूरी साल बर्फ रहती है, पूरी साल बर्फ रहती है। चूँकि इनकी ऊँचाई, एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर है और इसलिए यहाँ पूरी साल बर्फ रहती है। तो जब इन चोटियों पर बर्फबारी होती है, इन चोटियों पर बर्फबारी जब होती है तो इन चोटियों से बर्फ इनकी ढलानों के सहारे लुढ़क के इनके नीचे, यानी कि जहाँ से चोटियाँ शुरू हो रही हैं इनकी तलहटी वाले इलाके में इकट्ठी हो जाती है। तो वहाँ बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार इकट्ठा हो जाता है और जब ये बर्फ एक बहुत बड़े ठोस का रूप ले लेती है तो अपने भार के कारण, ग्रेविटी के कारण ये खिसकने लगती है, बहुत हल्की हल्की दर से खिसकने लगती है और इससे पानी रिसने लगता है। तो ग्लेशियर क्या हो गया, बर्फ क्या, एक बहुत बड़ी राशि जो गतिशील है और ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, आपके हिमालय के एरिया में पाए जाते हैं और इनसे बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। इनके बनने का रीज़न क्या है कि इन चोटियों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जो ट्रांस हिमालय की चोटियाँ हैं या वृद्ध हिमालय की चोटियाँ हैं, और जब इन पर बर्फबारी होती है तो जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो इनकी चोटियों से बर्फ़ खिसक के नीचे आ जाती है और नीचे जो इनकी तली वाला एरिया होता है, इन चोटियों के नीचे वाले इलाके में, जहाँ इनके जहाँ से चोटियाँ शुरू होती हैं उन इलाके में जो खाली जगह होती है उनमें बर्फ़ फंस जाती है और एक बहुत बड़े ग्लेशियर का रूप ले लेती है। तो देखिए, ग्लेशियर की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करें, तो भारत में हम बात करेंगे कराकोरम या ट्रांस हिमालय कराकोरम श्रेणी की बात करेंगे तो कराकोरम श्रेणी पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर मिलेंगे और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। देखिए, ग्लेशियर मैंने सिर्फ यहाँ डॉट डॉट करके बनाए हैं और यहाँ पर इनके नाम लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत पास पास हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले इसे परचेज़ कर लें, उसके बाद आपको एक एक ग्लेशियर, जैसे ही आप जम्मू के कश्मीर वाले मैप पर जाएंगे तो आपको एक एक ग्लेशियर आपको यहाँ क्लियर मिल जाएगा, तो आपके सारे ग्लेशियर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगर आप बिना इसके पढ़ते हैं, एटलस के पढ़ते हैं, तो फिर आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ देख के पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिएगा, बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन, कहाँ पर है, कराकोरम श्रेणी पर। आप देखेंगे आप लोकेशन तो आपको यहाँ मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। इसके बाद एक ग्लेशियर आपका ससाईमी, ससाईमी भी कराकोरम श्रेणी पर है, 68 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, इसी एरिया में आपका ससाईमी है। उसके बाद अगला है हिस्पार, ये भी आपको इसी एरिया में मिलेगा, जहाँ मैंने डॉट्स बना रखे हैं आपको, बियाफो, बालटोरो, बातूरा, छोंगोलुंगमा, खारदोपिन और रेमो। आप देख रहे हैं कराकोरम श्रेणी पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आपको मिलेंगे, जितने मैंने ये पॉइंट बना रखे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद दूसरा ग्लेशियर ससाईमी, तीसरा हिस्पार। तो आप देख रहे हैं ग्लेशियर के सामने उसकी लंबाई लिखी है किलोमीटर में और कहाँ है, अवस्थिति लिखी है, किस श्रेणी पर है, तो ये सब कराकोरम श्रेणी पर है। तो आप देखेंगे कराकोरम श्रेणी पर कई सारे ग्लेशियर आपके सामने हैं, सियाचिन, ससाईमी,
हिस्पार, बियाफो, वाल्टोरो, बतूरा, छोमोलोंगवा, खारदोपिन, रेमो। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ग्लेशियर आपका सियाचिन है। सियाचिन के बाद ससाइमी, हिस्पार, बियाफो, वाल्टोरा, रेमो, खारदोपिन, छोमोलोंगवा, ये सारे आपके कराकोरम श्रेणी पर पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं। इसके बाद आपको मिलेंगे, एक ग्लेशियर मिलेगा रूपल। रूपल कहाँ मिलेगा आपको? कश्मीर मिलेगा, इस एरिया में आपको रूपल ग्लेशियर मिलेगा। सोना पानी भी आपको कहाँ मिलेगा? कश्मीर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में है। गंगोत्री आप जानते ही हैं, गंगा नदी का उद्गम जहाँ से होता है। तो गंगोत्री आपका कहाँ है? कुमायूं पर्वत श्रेणी, हिमालय की कुमायूं पर्वत श्रेणी। जब हमने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था तो उत्तराखंड में जो हिमालय था उसका नाम दिया था कुमायूं हिमालय, अर्थात उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री। एक ग्लेशियर आपको मिलेगा मिलाम, ये भी कुमायूं श्रेणी में उत्तराखंड में है। और एक ग्लेशियर मिलेगा आपको चोरावारी। चोरावारी ग्लेशियर आपको मिलेगा, वो मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये आपके तीन ग्लेशियर उत्तराखंड में हो गए। एक ग्लेशियर आप देखेंगे जेमू ग्लेशियर कहाँ है? कंचनजंगा के पास है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? ये रहा आपका किस जगह? सिक्किम में है। और जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। नदियों में इसकी बात करेंगे। तो आपने देखा ग्लेशियर, आपको सिर्फ इनके नाम, आप जैसे इस ऑक्सफोर्ड एटलस पे इसको देखेंगे तो आपको ये लोकेशन इनकी समझ में आ जाएगी। पुनमा, बतूरा, रेमो, स्कार्मी, हिस्पार, बाल्टोरो, बियाफो, सियाचिन, इसका ससाइमी, ये सारे ग्लेशियर आपको यहाँ पे मैप पे एक दो बार देखने हैं। सिर्फ आपसे नाम पूछता है, सियाचिन से पूछेगा तो आपसे इतना पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, या फिर अगर और पूछेगा तो आपसे पूछेगा किस ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है। तो ग्लेशियर से नदी के उद्गम की बात हम नदियों वाले चैप्टर में कर लेंगे, अदरवाइज़ आपसे ग्लेशियर से ज़्यादातर ये पूछता है ये ग्लेशियर किस राज्य में है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आपको सिर्फ एक दो बार रिवाइज करने हैं, एटलस पर देखने हैं तो आपको याद हो जाएंगे। अब देखिएगा, बात करते हैं घाटियों की। तो घाटी मैंने बताई थी कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में जो समतल सपाट स्थान है, इधर पर्वत श्रेणी है और इधर पर्वत श्रेणी है, तो बीच में जो समतल सपाट इलाका है वो घाटी कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से, खासकर ईवीएस के एग्ज़ाम्स की दृष्टि से घाटियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ घाटियां बहुत कॉमन है, जैसे शांत घाटी, फूलों की घाटी, देवताओं की घाटी, कुल्लू घाटी, ये तो बहुत कॉमन घाटी हो गई, इनसे प्रश्न बार बार आते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि परीक्षाओं का स्तर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, उनकी कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब घाटियों को भी आपको ठीक से समझना होगा और आपको लगभग सभी महत्वपूर्ण घाटियां याद रखने की आवश्यकता है। अन्यथा आप जानते हैं, अगर एक मार्क्स भी आपका कम हो गया तो एक मार्क्स से आप जानते हैं कितना नुकसान होता है, आप फेल भी हो सकते हैं, या अगर पास भी हो जाएं तो हो सकता है मेरिट में नंबर नहीं आ पाए। इसीलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो बात करते हैं घाटियों की। तो सबसे पहली घाटी मरखा घाटी। मरखा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? लद्दाख में है। और लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है जो काय के लिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, एक पक्षी उद्यान है हेमिस, उसके लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। अर्थात जब भी आप हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में जाना चाहेंगे तब आपको किससे होकर जाना पड़ेगा? हेमिस नेशनल पार्क में जाने के लिए आपको मरखा घाटी में होकर जाना पड़ेगा। और कहाँ पाई जाती है मरखा घाटी? लद्दाख में पाई जाती है। ऊपर का इलाका आपका लद्दाख का है। कश्मीर घाटी आप जानते ही हैं, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। मैं आपको पढ़ाई चुका हूँ कश्मीर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डल झील है, वुलर झील है, ये सारी चीज़ें हैं। करेवा झीली निक्षेप में आपको पढ़ाई चुका था। नुब्रा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है नुब्रा घाटी। ध्यान रखिए कि नदी है नुब्रा, एक नदी का नाम है नुब्रा, जो किससे निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम बताइए, तो नदी का नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी एक घाटी बनाती है जो लद्दाख में है। और ध्यान रखिएगा, नुब्रा किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा नदी आप देखेंगे इस साइड में आपको ऐसे करके मिलेगी, और ऐसे करके यहाँ आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी मिल जाती है। तो नुब्रा नदी द्वारा बनी घाटी का नाम है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। और नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदी है। अगली बात करेंगे सुरु घाटी। सुरु घाटी कहाँ? लद्दाख में। और ध्यान रखिए कारगिल जो कस्बा है, आपने कारगिल का युद्ध देखा होगा, तो कारगिल आपका इस एरिया में, यहाँ कारगिल है। तो कारगिल कस्बे के लिए इस घाटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कारगिल घाटी जाने के लिए आपको सुरु घाटी से होकर जाना पड़ता है। और सामरिक दृष्टि से भी यह घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरु घाटी कहाँ है आपकी? लद्दाख में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों की। किन्नौर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, इस एरिया में आपको मिलेगी। इस एरिया में मिलेगी कौन सी घाटी? मिलेगी आपको किन्नौर घाटी। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित यह घाटी तिब्बत सीमा के समीप है। तो आप देखेंगे ये सब, यहाँ से सीमा आपकी तिब्बत लग रही है,
तिब्बत सीमा के समीप है, जो हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल, यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव जाना चाहते हैं तो अंतिम गांव का नाम है चिटकुल, और चिटकुल जब जाना चाहेंगे तो किस घाटी से होकर जाएंगे, किन्नौर घाटी से होकर जाएंगे। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है किन्नौर घाटी कहाँ है। दूसरी घाटी पार्वती घाटी, यह भी हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थयात्रियों की है। ध्यान रखना एक शहर पड़ता है मणिकरण, मणिकरण शहर पड़ता है जो हिंदू और सिख तीर्थार्थियों के लिए उनका एक उनका पवित्र स्थान है जहाँ की वो यात्राएं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप मणिकरण शहर जाना चाहते हैं, कौन जाता है यहाँ पे, हिंदू जाते हैं और ज़्यादातर सिख तीर्थयात्री जाते हैं, उन्हें मणिकरण शहर जाना हो तो किस घाटी से होकर जाएंगे, पार्वती घाटी से होकर जाएंगे। तो पार्वती घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो तीन घाटी आपने देखी, मरखा घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में थी। तीन घाटी आपने देखी, सुरु ये भी आपकी, चौथी घाटी भी आपकी लद्दाख में। दो घाटियाँ आपकी किन्नौर घाटी हिमाचल में, पार्वती घाटी हिमाचल में। सांगला घाटी भी कहाँ है, हिमाचल में है, कई बार प्रश्न पूछा गया है सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल में। इसे बासपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। मालना घाटी ये भी हिमाचल में है, और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मालना घाटी, इसे छोटा यूनान नाम से जाना जाता है, मालना घाटी को छोटा यूनान नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है मालना घाटी। अगली घाटी कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली तो आप जानते हैं, कुल्लू घाटी इंपॉर्टेंट ये है कि किस घाटी को देवताओं घाटी कहा जाता है, तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मालना घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ध्यान रखिएगा। नुब्रा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मरखा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको याद रखनी है लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पांगी घाटी, पांगी घाटी भी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना कुछ जनजातियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, पंगवाल और भोटिया, पंगवाल और भोटिया जनजाति, तो प्रश्न जिन जनजातियों से भी आता है, तो जनजातियों की हम बात करेंगे जनजातियों के चैप्टर में। तो हिमाचल प्रदेश की पंगवाल और भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती हैं, पांगी घाटी में जो कि हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी, स्पीति घाटी कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, बता चुका हूँ मैं पहले लेक्चर में आपको। तो बौद्धों का एक मठ है ताबो मठ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अच्छी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बौद्धों का प्रसिद्ध मठ है ताबो मठ किस घाटी में पाया जाता है, इस्पी घाटी, स्पीति घाटी में पाया जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल घाटी, लाहौल घाटी कहाँ हिमाचल प्रदेश में, इसी घाटी से होकर चंद्रभागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, चंद्र और भागा नदियाँ इसी घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। अगली घाटी है आपकी कांगड़ा घाटी, कौन सी घाटी है, कांगड़ा घाटी, और कांगड़ा घाटी भी कहाँ पाई जाती है, हिमाचल में। ध्यान रखना धर्मशाला इसी घाटी में है, धर्मशाला आप जानते होंगे और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिमाचल राजधानी है शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, चूँकि ठंड ज़्यादा पड़ती है तो शिमला में आवागमन के रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश की नई शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है, और धर्मशाला में आप जानते ही हैं एक स्पोर्ट स्टेडियम है जहाँ अक्सर करके वह इंटरनेशनल मैच होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, तो ध्यान रखना धर्मशाला जो एक छोटा सा कस्बा है हिमाचल प्रदेश का वो इसी घाटी में अवस्थित है। तो आपने देखा मरखा घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू, किन्नौर, पार्वती, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी। तो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी की, चंबा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा चंबा घाटी से मिलते जुलता नाम आपको एक मिलेगा चुंबी घाटी, जो कि सिक्किम में है। तो सिक्किम में जो घाटी है उसका नाम चुंबी घाटी है, और जो घाटी हिमाचल में है उसका नाम चंबा घाटी है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो चंबा घाटी की अगर बात करें तो चंबा घाटी बहुत मशहूर है, और उसके अंतर्गत तीन पर्यटन स्थल आते हैं, तीन प्रमुख पर्यटन स्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। पहला भरमौर, दूसरा डलहौजी और तीसरा खजियार। जी ये जो तीन आपके सामने पर्यटक स्थल लिखे हुए हैं जिसका नाम है भरमौर, डलहौजी, खजियार, याद रखना खजियार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है। तो चंबा घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसके अंतर्गत तीन प्रमुख पर्यटक स्थल आते हैं जिनके नाम है भरमौर, डलहौजी और खजियार, और खजियार को क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ घाटियों की जो कि उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में सबसे पहली घाटी दून घाटी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने आपको लघु और शिवालिक हिमालय पढ़ाए थे कि लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं,
जिन्हें दून और द्वार घाटियाँ कहते हैं। तो दून घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। किसके बीच है? शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य है। तो याद रखेगा, दून घाटी से प्रश्न इतना ही पूछा जाता है कि दून घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो या तो राज्य का नाम पूछेगा या आपसे पूछेगा कौन से हिमालय के बीच पाई जाती हैं। तो आपको पता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच दून घाटियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछता है तो देहरादून का एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपके सामने है। अगली घाटी बात करते हैं, जौहर घाटी। जौहर घाटी या जौहर घाटी यह भी उत्तराखंड में है और इसे मिलाम घाटी या गौरी गंगा घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है गौरी गंगा। एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है गौरी गंगा। तो जौहर घाटी जो कि उत्तराखंड में है, इसे मिलाम घाटी या गौरी गंगा घाटी भी कहा जाता है। गौरी गंगा घाटी कहने के पीछे वजह यह है कि इस घाटी से होकर एक नदी गौरी गंगा बहती है। अगली घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इससे परिचित होंगे। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, सभी लोग इसको जानते हैं। लेकिन यहाँ इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है कि कई दफ़ा आपसे सीधे सीधे फूलों की घाटी कहाँ है यह प्रश्न न पूछ के उससे कुछ और पूछ लेता है। तो जो पूछता है वो आपके सामने है कि इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में वर्ष 2004 में शामिल किया गया। यूनेस्को आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया भर में ये बहुत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है और इन्हीं बहुत सारे कार्यक्रमों के अंतर्गत इसका एक कार्यक्रम है कि दुनिया भर के जैव विविधता वाले क्षेत्रों का को संरक्षण प्रदान करना। दुनिया भर में जितने भी बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उनको एक नेटवर्क, उनको आपस में कनेक्ट करता है, एक नेटवर्क बनाता है उनको और उन सभी के संरक्षण के लिए एक प्लान तैयार करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात फूलों की घाटी से, चूँकि सभी जानते हैं इसको उत्तराखंड में है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेगा कि वर्ष 2004 में इसे किसने, यूनेस्को ने कायम है अपने बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया। बायोस्फीयर नेटवर्क जैसा कि मैंने बताया आपको, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस तरह के स्थान हैं जहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है उनको यूनेस्को क्या करता है, उस देश की सरकार के साथ मिलकर उसके संरक्षण का प्रयास करता है। अगली घाटी की बात करें, धर्मा घाटी, यह भी उत्तराखंड में है और इस घाटी का निर्माण किसने किया है, धर्मगंगा या धर्मा गंगा नदी द्वारा होता है। तो धर्मा घाटी उत्तराखंड में, इस घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, धर्मा गंगा नदी के द्वारा होता है। अगली घाटी की बात करेंगे, सोर घाटी। सोर घाटी ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का एक जिला है, पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ इसके निकट ही है। तो सोर घाटी कहाँ है उत्तराखंड के, पिथौरागढ़ में। एक घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेलोंग घाटी, इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में नेलोंग घाटी से प्रश्न पूछा जाता है। तो नेलोंग घाटी उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है, उत्तरकाशी जिले में है और ध्यान रखिएगा एक नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क इसमें अवस्थित है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है नेलोंग घाटी जो उत्तराखंड में है, ये घाटी उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य किस में है, उत्तराखंड में, यह प्रश्न कई बार आया है, लोअर पीसीएस परीक्षाओं में भी कई बार देखा गया है और सीटेट यूपीटेट इत्यादि के ईवीएस सेक्शन में इसके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार यूपीटेट के ईवीएस के सेक्शन ने सभी के होश उड़ा दिए थे, सभी के मतलब जिस तरह का पेपर अब तक आता था यूपीटेट में उससे कहीं ज़्यादा हटके आया। तो इसीलिए मैं आपको इतनी सारी चीज़ें करा रहा हूँ कि कहीं से आपका प्रश्न न छूटे। चूँकि परीक्षा के लिए आपके पास पर्याप्त समय है इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, सभी चीज़ों को तैयार रखें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आए तो आप एक या दो नंबर से रह जाएं या सुपर टेट में जाएं तब आपकी मेरिट कम पड़ जाए एक दो नंबर की वजह से। इसलिए कहीं से कोई कोताही करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा नेलोंग घाटी, देखिएगा ये सारी घाटियाँ आपने देखी, दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलोंग घाटी उत्तराखंड की हैं। अब बात करते हैं, घाटी है पश्चिम बंगाल की जिसका नाम है न्योरा घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है न्योरा घाटी। और ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है सब जानते हैं। यहाँ पर एक जगह है कलिम्पोंग और कलिम्पोंग में स्थित है और इसे न्योरा घाटी को 1986 में नेशनल पार्क घोषित किया गया, 1986 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा मैं आगे आपको जैव विविधता वाले चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब इंडिया के सारे नेशनल पार्क,
बायोस्फीयर रिजर्व या वन्य जीव अभयारण्य, इन सभी की बात करूंगा। इनमें क्या अंतर होते हैं, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है, कौन कौन से हैं और किस किस को यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में रखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो 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 आते जा रहे हैं उनको यहाँ निपटा रहे हैं। लेकिन जब इसका अलग सा चैप्टर आएगा जैव विविधता एवं संरक्षण, तब हम बात करेंगे, प्रॉपर बात करेंगे इंडिया के सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे। तो नेवरा घाटी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और 1986 में से काय का दर्जा दिया गया, नेशनल पार्क घोषित किया गया। अब देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट घाटी आपके सामने, इसका नाम है चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया चंबा घाटी, चंबा घाटी हिमाचल में थी। तो चुंबी घाटी की बात करें, चुंबी घाटी कहाँ है, सिक्किम में। अब देखिएगा मैप पे, ये आपका सिक्किम है, ये अंगूठा दिखा रहा है चीन को। अंगूठे दिखाने से मेरा मतलब है कि चीन हमेशा इस पे अपना कब्जा करना चाहता है, लेकिन ये चीन में कभी नहीं जाएगा क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। अब पहले ये भारत से अलग था, एक शाही राज्य था लेकिन बाद में भारत में शामिल हो गया। तो आप देखेंगे ये जो खाली जगह बची, ये तो अरुणाचल प्रदेश है अपना, ये अरुणाचल प्रदेश है। इस एरिया में यहाँ आपका भूटान देश है, इस मैप पर नहीं है, भूटान देश है। तो ये जो एरिया है, ये यहाँ यहाँ आपकी कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी, इस एरिया में है। और यहीं पे देखेंगे तिब्बत, भूटान और इंडिया का ट्राई जंक्शन है। ये जो एरिया आपको गैप में यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको दोबारा देखिएगा कि ये आपका यहाँ भूटान है इस एरिया में, और ये जो बीच का गैप है ये ट्राई जंक्शन है तीन देशों का, तिब्बत अर्थात चाइना, भूटान और इंडिया। और डोकलाम जो है वो इसी चुंबी घाटी के अंतर्गत आता है। डोकलाम जो आप जानते हैं, एक दो वर्ष पहले चाइना के संग यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था, हालांकि चीन की सेना को वापस जाना पड़ा था। तो ये डोकलाम इसी चुंबी घाटी के अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से, क्योंकि देखिएगा ये भारत की चिकन नेक है, ये एरिया, ये चिकन नेक मतलब मुर्गे की गर्दन। देखिएगा नीचे का ये तो बांग्लादेश है, ठीक है ना, ये बांग्लादेश है। अब देखिएगा भारत यहाँ तक पूरा है, यहाँ तक पूरा भारत काफ़ी चौड़ाई में है, उसके बाद आगे वाले हिस्से से केवल इंडिया यहीं से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं चिकन नेक, यहाँ से जुड़ा हुआ है इस तरह से। जैसे मान लीजिए एक मुर्गा बैठा हो तो उसकी चोंच, उसकी गर्दन आगे हो, उसका मुंह आगे हो, गर्दन यहाँ पे हो, तो ये इंडिया का, इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। बाकी का नीचे बांग्लादेश है। तो इंडिया पूरा यहाँ से जाएगा, यहाँ से देखिएगा भारत यहाँ से चौड़ा होता हुआ जा रहा है, और आगे जाकर यहाँ जाकर इंडिया पतला हो जाता है, और उसके बाद हल्के से कॉरिडोर के माध्यम से इंडिया आगे फिर जुड़ा हुआ है इन सभी राज्यों से, क्योंकि ये बांग्लादेश है। चाइना की नज़र हमेशा यहाँ रहती है कि किसी तरह से आप देखेंगे कि चाइना चाहता है कि यहाँ से भारत का संपर्क हट जाए तो इस एरिया को वो कब्जा कर ले। आपने देखा होगा अभी एक शर्जील इमाम, एक व्यक्ति ने यहाँ के चिकन नेक को लेकर बहुत एक विवादास्पद बयान दिया था, और वर्तमान में वे हिरासत में हैं और न्यायालय प्रक्रिया जारी है। तो ये चिकन नेक जो है वो यहाँ पड़ेगा आपका, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और इस एरिया में आपकी पड़ेगी चुंबी घाटी। अब समझिएगा चुंबी घाटी सिक्किम में है, पहली चीज। सिक्किम भूटान तथा तिब्बत तीनों के मिलान बिंदु पर होने के कारण अधिक सामरिक महत्व रखती है। तो चुंबी घाटी सिक्किम भूटान और यहाँ तिब्बत अर्थात चाइना के तीनों के मिलान बिंदु पर होने कारण, इस एरिया में होने के कारण, तीनों के मिलान बिंदु पर होने के कारण सामरिक महत्व रखती है, अर्थात युद्ध की दृष्टि से चुंबी घाटी का बहुत अधिक महत्व है। डोकलाम, ध्यान रखिए हम लोग डोकलाम कहते हैं और उधर तिब्बती भाषा में डोकलैंग कहते हैं इसको। तो डोकलाम या डोकलैंग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी, भारत का चिकन नेक, मैंने क्या बताया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक से यहाँ की दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 500 किलोमीटर है। और चुंबी घाटी में जो लोग रहते हैं, स्थानीय लोग निवास करते हैं, उनको प्रोमोवा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुंबी घाटी के स्थानीय निवासी को प्रोमोवा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि चुंबी घाटी यहाँ है और यहाँ से चिकन नेक 500 किलोमीटर दूर है। चीन जब डोकलाम में यहाँ आ गया था, यहाँ भूटान है, तो चीन चाह रहा था कि यहाँ कब्जा हो जाए और यहाँ से चिकन नेक पे हमला करके भारत को आगे के राज्यों से काट दें। लेकिन चाइना भूल जाए, 1962 का युद्ध नहीं है, और 1962 में हम हारे थे अपने देश की सरकार के निर्णय न ले पाने की क्षमता की वजह से। और 1967 में हमने चाइना को हराया भी है। अगर आप एक मूवी देखना चाहें पलटन, तो उसी युद्ध पर बनी है। और भूल जाए चाइना, ये वो भारत नहीं है जो सोचता था कि शांति से काम चल जाए, घर में घुस के मारेंगे, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। भारतीय सेना सक्षम है, 2.5 मोर्चे पर। जनरल वी के सिंह का आपने बयान सुना होगा,
जनरल बिपिन रावत का कि सेना ढाई मोर्चे पर एक साथ लड़ने के लिए सक्षम है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए बाकी बात करते हैं अगली घाटी की, युथांग घाटी। युथांग घाटी भी कहाँ है आपकी, सिक्किम में है। और यह घाटी काय के लिए किस नाम से प्रसिद्ध है, हॉट स्प्रिंग। यहाँ का मौसम इतना शानदार होता है, यहाँ बहुत सारे फूल इत्यादि होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरती है, नेचर के बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो युथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार आया है कि भारत की किस घाटी को हॉट स्प्रिंग नाम से जाना जाता है, तो किस घाटी को जाना जाता है, युथांग घाटी को। अगली घाटी है जुकू घाटी, तो जुकू घाटी देखेंगे नागालैंड, ये आपका एरिया नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे जाएंगे तो नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय, ये असम, तो नागालैंड में घाटी मिलेगी आपको जुकू घाटी। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है और बहुत लोग इसको घूमने जाते हैं, क्योंकि जून के महीने में, जो इस समय जून चल रहा है और सितंबर तक, जून में लेकर सितंबर तक, इस माह में क्या होता है, संपूर्ण घाटी में बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, क्योंकि जून में यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है और जब बारिश होती है तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ उगाती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर फूल इत्यादि होते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा पर्यटक केंद्र माना जाता है जुकू घाटी। तो याद रखना आपको जुकू घाटी कहाँ है, नागालैंड में, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, अराकू घाटी देखेंगे तो आपका ये आपका राज्य आंध्र प्रदेश है अराकू घाटी। कंबम घाटी तमिलनाडु में है, कंबम घाटी तमिलनाडु में है। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इनके डिटेल से प्रश्न नहीं आते, सिर्फ इनके नाम से प्रश्न आते हैं। तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, कंबम घाटी तमिलनाडु में। अब एक घाटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बची है, इससे केरल की घाटी है शांत घाटी। आप ध्यान रखिएगा शांत घाटी केरल की है। शांत घाटी कहने के पीछे रीज़न ये है कि इसके वनों के अंतर्गत इतनी घनी वनस्पतियाँ हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं पहुँच पाता और इसीलिए इसको शांत घाटी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा शांत घाटी में से एक नदी निकलती है, कुंती नदी या कुंथी नदी, याद रखना पूछा गया प्रश्न है, आई थिंक एमपी टेट में या किसी और परीक्षा में पूछा गया था। तो कुंथी नदी निकलती है कौन सी घाटी से, शांत घाटी से। ध्यान रखना जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उसकी वजह है कि देखेंगे ये आप केरल है और जब जून में बारिश होगी हमारे यहाँ मानसून आना शुरू होता है, तो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून टकराता है, सबसे पहले कहाँ टकराता है, केरल से टकराता है, तो केरल में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जब ज़्यादा बारिश होगी तो आप जानते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि ज़्यादा होंगे, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कौन से ज़िले में है केरल के, पलक्कड़ ज़िले में है, है ना, कौन से ज़िले में है, पलक्कड़ ज़िले में है। और कौन सी पहाड़ियों पर है, नीलगिरी पहाड़ियों पर है। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करेंगे जब हम दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, तो शांत घाटी या साइलेंट वैली, साइलेंट वैली से एक आंदोलन भी चला था, जब मैं आपको जैव विविधता संरक्षण के आंदोलन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा शांत घाटी आंदोलन क्या था। तो जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध यह घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ के वन क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, कुंथी नदी निकलती है। तो आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा भारत के बहुत सारे ग्लेशियर देखे, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पार, ससाईमी, सियाचिन, रेमो, स्कार्मी, पुनमा, बतूरा, छोमोलुंगमा, मिलाम, सोनापानी, जेमू, इस तरह के आपने बहुत सारे ग्लेशियर देखे, बहुत सारी घाटियाँ देखी, जिसमें जम्मू कश्मीर की घाटी देखी आपने, हिमाचल की देखी, उत्तराखंड की देखी, इसके अलावा सिक्किम की देखी, आंध्रा की, तमिलनाडु की, केरल की। ये घाटियाँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन घाटियों के सामने कुछ ना कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, कोई विशेष बात लिखी हुई है, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। आप ये ना सोचें कि सिलेबस में इतना नहीं है, इतना नहीं है, परीक्षा का लेवल दिन ब दिन अप होता जा रहा है। तो आप एक डायलॉग याद रखें सलमान खान का, कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान नहीं करना, पढ़ते समय आप कोई एहसान ना करें अपने आप पे, जितना मैक्सिमम पढ़ के चलेंगे आपकी सफलता उतनी सुनिश्चित होगी। अगर आप कम पढ़ते हैं, सोचते हैं कम पढ़ के काम चल जाएगा, प्रैक्टिस सेट लगा काम चल जाएगा, भूल जाइएगा, आपको पीछे करने के लिए लाखों लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए कहीं भी किसी भी स्तर पर कोताही ना करें जो आगे आपको पछताना पड़े। अभी हाल के साल, डेढ़ साल, दो साल में, वर्ष 2022 जो यूपी का इलेक्शन होना है, मान के चलिएगा एक, कम से कम एक और दो बहुत बड़ी बड़ी शिक्षक भर्ती निकलेंगी, बहुत बड़ी वाली निकलेंगी। यहाँ आपके लिए मौका है, अब आप सी टेट के लिए इतना सा पढ़ें, फिर सुपर टेट के लिए फिर और पढ़ें, इसलिए पहले से इतना पढ़ के चलें कि सी टेट का पेपर अगर वाइड हो जाए और यूपी टेट का वाइड हो जाए तो कोई दिक्कत ना आए, और फिर ये तैयारी आपके सुपर टेट में काम करे। तो आप पढ़ते रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए। इसके नोट्स पाने के लिए मुझे मेरे चैनल के नंबर पर मैसेज करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हों तो इसको शेयर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।